असल वरहमत लाला वेलकम टू रियल एस्टेट कश्मीर आई होप आप सब ठीक होंगे काफी टाइम से कॉल आ रही थी जनाब आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं वेरी अनफॉर्चुनेट विंटर था इसलिए लाइटिंग वगैरह सही से नहीं होती बट आज मैं आपके लिए लेके आयु एक खूबसूरत सा घर काफी अच्छा और प्यारा आजकल के हिसाब से मैं बोलूंगा काफी कम्पैक्ट हाउस है क्यूँकी इसका टोटल लैंड जो है आठ मरले मिलके थे कंस्ट्रक्शन एरिया टचिंग थाउजेंड स्क्वायर फीट के है चार बेडरूम का घर है और माशाला आप देखे आर्किटेक्ट ने क्या ही अमेजिंग सा डिजाइन दिया है इसकी ओपन लॉबी है बिल्कुल ओपन है थ्री फ्लोर की यानी ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट हॉल पे नजर पड़ती है हॉल से सीधे नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर में नजर पड़ती है लेफ्ट साइड में आपको ड्राइंग रूम मिलेगा सीधे अगर आप चलेंगे तो आपको मिलता है इस घर का हमाम कश्मीरी हमाम है बिल्कुल राजस्थानी हमाम नहीं है कश्मीरी हमाम लगा के नीचे पत्थर वगैरह जो भी है वो कश्मीरी है कश्मीरी टच पे बना के दो इसकी एंट्रीज हैं एक मेन एंट्री है हमाम की दूसरी किचन से है किचन इसका चूंकि स्टैंडिंग में है बिल्कुल मॉडलर किचन में है एल शेप का किचन है स्टैंडिंग में तो किचन की सेटिंग जो है वो हमाम है और उसके साथ किचन के साथ आपको लॉन्ड्री भी मिलेगी और साथ में स्टोर भी और बैक साइड से किचन की एंट्री भी जो कि कश्मीरी घरों में यूजअली हम रखते हैं ये है इसका कॉमन वॉशरूम ग्राउंड फ्लोर का टाइल वगैरह वर्क सारा करके इसमें टॉयलेट सीट्स वगैरह लगा के हैं और उसके साथ ही राइट right साइड में है इसका ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम और बेडरूम जो है इसका साइज करीबन रहेगा काफी स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम है करीबन 12 12 क्रॉस का है और विंडो जो है दो साइड से इसमें करके हैं वॉल्स की बात करें तो पीओपी वगैरह करके कर माशाल्लाह काफी खूबसूरत है एज ए ऑलरेडी सेड इसमें स्पेस यूटिलाइजेशन काफी अच्छे से हुई है हर चीज का ख्याल रखा गया है की इसमें जमीन जाया नहीं हुई है स्पेस काफी अच्छे से यूटिलाइज हुई है और ये स्टेयर जो कि फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं आप देखें लॉबी माशाल्लाह काफी खूबसूरत है ऐसा यूजुअली रखते हैं बड़े घरों में जो दस मरले पंद्रह मरले या एक कनाल पे होते हैं घर ये इसका ऊपर बेडरूम है ऊपर तीन बेडरूम है तीन वॉशरूम है दो अटैच है एक कॉमन है ये बेडरूम है माशा काफी खूबसूरत आप देखें विंडो के डिजाइन जो है डिफरेंट दिए गए हैं हर रूम में डिफरेंट डिजाइन की विंडो है हर चीज का इसमें अच्छे से ख्याल रखा गया है ये दूसरा बेडरूम है इसमें अटैच आपको वॉशरूम मिलेगा ड्रेसिंग भी है और वॉडरूम की स्पेस और साथ में वॉशरूम जो है उसमें टाइल वगैरह डाइवर्टर सब कुछ लगा के है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सिटी की सबसे बेस्ट डील हम हमेशा आपके लिए लेके आते हैं बिकॉज यू नो रियल इस्टेट कश्मीर इज नोन फॉर जेन प्राइजे एंड बेस्ट डील्स तो हमेशा कोशिश करते हैं आपके लिए लाने की सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ये तीस तीसरा बेडरूम है इसमें अटैच वॉशरूम है और साथ में देखें तो ड्रेसिंग और वॉरूम की स्पेस भी है घर आजकल के पैटर्न पे, पे बना के हैं और आपको ये दोनों सिचुएशंस में मिल सकता है चाहे तो आप ऐसे ही ले लें जितना काम इसमें हो चुका है इस पोजीशन में या आप चाहें तो बिल्कुल कंप्लीट करके रेडी टू तो यूज़ करके भी दोनों सूरतों में आपको मिल सकता है उसके बाद ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर जाती हैं हॉल में हॉल माशाल्लाह पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि हॉल की सीलिंग की हाइट अगर आप देखें करीबन 15 फीट की हाइट है जो कि इसकी एम्बियंस को माशाल्लाह क्या ही बताऊं खूबसूरत कर देता है आप सीलिंग देखें इसमें वॉल सीलिंग करके है जब इसमें लाइट्स वगैरह लगेंगी तो ये अपनी खूबसूरती जो है सच में बयान करेगी काफ़ी बड़ा हॉल है टेंट्स वगैरह जो भी है वट एवर यू वना प्ले आप इंडोर गेम्स आराम से खेल सकते हैं जिम बना सकते हैं और वट एवर यू वन से बाकी साइट विजिट के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें साइट विजिट करें एंड गेट दिस डील डन बाकी इन मैं तो आता ही हूँ रोज़ हमेशा हर हफ्ते नई डीज लेके तो सब्सक्राइब जरूर करें